Sarthak Samal. Today my mother is going to make mango pickle. Let's begin. सभी का सुप्रभात। आज हम मैंगो मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक कंटेनर मिल्क चाहिए और थोड़े आइस चाहिए और शुगर चाहिए और एक बड़ा सा आम चाहिए। सबसे पहले ये आम को हम काटेंगे। आम को कट हो गया है। इसके बाद इस आम को हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम शुगर डालेंगे। शुगर डालने के बाद हम मिल्क डालेंगे। मिल्क के बाद हम आइस डालेंगे। आइस डालने के बाद हम फिर से ग्राइंड कर देंगे। को ग्राइंड कर दिए, अब हम ग्लास में डालेंगे। हमारा मिल्क शेक रेडी हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्लास 5 का छात्र। मेरी मम्मी आज मैंगो जूस बनाने जा रही है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा मैंगो है और अब हम इसका जूस बनाने जा रहे हैं। तो मम्मी, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम इसमें शुगर डालेंगे और हमने थोड़ा सा शुगर डाल दिया है।
मीठा था इसलिए हमने थोड़ा सा शुगर डाला है। अगर आप चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा शुगर डाल सकते हैं। तो यह हमारा जूस अभी रेडी हो गया है, हम अभी इसको ग्लास में उतारेंगे। मैं अभी थोड़ा सा ही मैंगो जूस बनाया है, आप चाहते हैं तो ज़्यादा ही बना सकते हैं। और बीच में आप थोड़ा पानी डाल के और एक बार ग्राइंड कर दीजिएगा, तभी ही अच्छे से मैंगो जूस बन पाएगा। यह है हमारा होममेड मैंगो जूस। हम अब इसमें थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। अगर आप ब्लैक सॉल्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ब्लैक सॉल्ट डालने से और थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहते हैं तो मत डाल सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं आप। मम्मी इसे एक कप में उतार रही है। मैंगो जूस हो गया, यह है होममेड मैंगो जूस। थैंक यू। आई एम सार्थक एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन द ब्रेड। लेट्स बिगिन। एंड दिस वन इज अ ब्रेड, टेक अ ब्रेड एंड दिस वन सम वाटर एंड add some water, add some water in the middle or you want where, add here and wait for some time. Now you can see the foul smell was coming and there was orange fungus. And the taste is very bad and the smell is very foul and you can see the bread is so hard.